ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आवेदन की जांच और नाम वापसी का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया है। वहीं भानेगांव ग्राम पंचायत चुनाव दरमियान कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का नारियल फोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी केदार समर्थक के सरपंच पद के प्रत्याशी डॉक्टर मीनाक्षी वासने के साथ सभी वार्ड मेंबर प्रत्याशियों ने भानेगांव स्थित बौद्ध विहार में जाकर तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और श्री साई बाबा चरण में आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में साई बाबा के दर्शन कर अभियान शुरू करने के लिए नारियल फोड़ कर शुरुआत की। हजारों महिला और पुरुष नागरिक मतदारों की भीड़ थी। बड़ी संख्या में मौजूद चुनाव की असली लड़ाई में सोशल मीडिया पर नारे वारे लगने लगे। ग्राम पंचायत का नेतृत्व करने के लिए सही उम्मीदवार जैसे कि स्वच्छ छवि, सुशिक्षित, अभ्यासु व्यक्तित्व और जनता की आग्रही गांव विकास के लिए विकासात्मक सच की आत्म छवि सोशल मीडिया पर सामने रही, जिसमें जनता द्वारा बताया जा रहा है कि फिर एक बार कांग्रेस के केदार गट का विजय निश्चित माना जा रहा है। सरपंच पद के लिए 3 और 15 सदस्यीय पद के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। भानेगांव ग्राम पंचायत चुनाव की राजनीति का तापमान हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। सरपंच पद के लिए कांग्रेस गुट के ग्राम विकास अघाड़ी से डॉक्टर मीनाक्षी विजय वासनिक और भाजपा रीटा समर्पित के परिवर्तन पैनल से शालिनी चौवरे चुनावी मैदान अभूतपूर्व दे रहे हैं। इसके लिए दोनों गुटों के सरपंच व सदस्य प्रत्याशियों ने आधुनिक तकनीक का लाभ लेने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि वार्ड के सही विकास को बयां करने वाला, दिल दहला देने वाला मुहावरा मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहा प्रचार अभियान वोटों में तब्दील जनता ही तय करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी सरपंच पद के उम्मीदवार गांव का विकास करने के लिए विकासात्मक चर्चा में जनता के मन में छा गए। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास जारी किया गया है, क्योंकि क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में भानेगांव ISO स्मार्ट सुंदर ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य उनकी पावती है, लेकिन अन्य विपक्षी पटल में चिंता का विषय बन गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BCN न्यूज और मैं हूँ आपका होस्ट मयूर त्रिपुरे। जैसा की सावनेर तहसील में चुनावी बिगुल बज चुका है, इसी सावनेर तहसील के ISO ग्राम पंचायत भानेगांव में आने वाले 18 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। इसी चुनाव पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ उपस्थित है। ताई आने वाले 18 तारीख को भानेगांव ग्राम पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, उसी बीच क्या आपके इस चुनाव को लेकर आपके मुद्दे रहेंगे और क्या कहना चाहूँगे? सबसे पहले मैं हमारे जो गॉडफादर बोल सकते हैं, सुप्रीम हमारे ऑनरेबल श्री सुनील केदार, उनको तय दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सरपंच के लिए, ग्राम पंचायत के लिए चयन किया है। और वैसे ग्राम सेवा के लिए मैं एज अ डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक, जो प्रोफेसर हूँ और इंग्लिश डिपार्टमेंट मनोरव कामली महाविद्यालय से, और मैं इस ग्राम विकास के लिए एक बहुत, मेरा एक अलग ही विजन है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम है भानेगांव का, उसको एक हाईटेक गांव बनाने का मुझे एक विजन है और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूँ। और उसी तरह से जो यंग जनरेशन है उनके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं तहे दिल से कोशिश करूँगी और एक विकास के लिए मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूँगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मीना ताई। तो उन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। इसी तरह हमारे साथ भानेगांव ग्राम पंचायत के माजी सरपंच रवि भाऊ चिकले है। रवि भाऊ, आपका 5 साल का पिछला कैसा आपका कार्यकाल रहा और आप स्मार्ट, जैसा कि भानेगांव ग्राम पंचायत को ISO ग्राम पंचायत और स्मार्ट ग्राम पंचायत की ओर से जाना जाता है, क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे भाऊ? सर्वप्रथम BCM च्या सर्व प्रेक्षकाला आणि भानेगांव वासियांना माझ्या शुभेच्छा, कारण ग्राम पंचायत भानेगावची 18 डिसेंबरला निवडणूक होऊ घातलेली आहे आणि विरोधकाचा एकच मुद्दा आहे, फक्त रवी चिकले, कारण ते विकासाबद्दल बोलू शकत नाही आपल्याबद्दल, त्यांना रवी चिकले आणि अक्षरशः त्यांनी 18 तारखेपर्यंत त्याच पद्धतीने बोलावं। काही साप्ताहिकमध्ये सुद्धा बातम्या छापणं सुरू केलेले आहे काहीतरी काही मुद्दे बनवून, आणि त्यांना तेवढं काम नेहमीप्रमाणे करत राहते, ह्यावेळीसुद्धा करतील। आणि भानेगावची जनता हुशार आहे, कोणाच्या हातात कोणाकडे नेतृत्व दिलं पाहिजे हे गावाचं शांतता सुव्यवस्था बार वाईन शॉप ह्या सगळ्या गोष्टीवर कुठंतरी नियंत्रण राहिलं पाहिजे, म्हणून पुनश्च यावेळीसुद्धा ग्रामविकास आघाडीच्या संपूर्ण पॅनेलला सर्व भानेगाववासी निवडून देतील आणि गावात शांतता आणि एकोबा ठेवण्यासाठी ते खरोखर ह्या पॅनेलला मदत करतील। अच्छा।
गावामध्ये तुम्ही आजूबाजूचा पोटा असो, खापरखेडा असो, सिल्लेवाडा असो, वल्ली असो, दहेगाव असो, भानेगाव एक शेवटचं गाव आहे मतदारसंघाचं. पण भानेगावामध्ये एक चुरस का आली, कारण विकास झाला म्हणून चुरस आली. जिथे विकास नसतो तिथे चुरस नसतो. विकासाची परिभाषा आम्ही सर्व पत्रकाराला विनंती करतो की एका मंचवर आम्हाला बोलवा आणि एकाच मंचावर त्यांनासुद्धा बोलवा. आम्ही समोरासमोर त्यांच्यासोबत प्रत्येक विकासाच्या गोष्टीवर डिबेट करायला तयार आहोत. ते काहीतरी भुलाबाबू माझ्याबद्दल वैयक्तिक टीकाटिप्पणी करून काहीतरी कुठल्या तरी अफवा तयार करून कुठेतरी निवडणुकीचा वेगळ्या स्टाईलनं घेऊन जात आहे. पण ही भानेगावची जनता आहे, 100% ह्या पॅनलच्या सोबत आहे आणि 100% राहणार आहे. आणि 18 तारखेला नक्कीच ह्या गावाचा पुन्हा भानेगावचाच विकास म्हणून एक नवीन पॅनल आपला जो ग्रामविकास आघाडी आहे ती पुनश्च ह्या ठिकाणी काम करण्यात त्यांना सगळे नागरिक बिलकुल सहकार्य करतील. NBCN न्यूज के लिए खापरखेडा से मथुरा तिरपुडे की रिपोर्ट.